सिविल अस्पताल में मरीज की मौत, परिजनों ने लगाए लापरवाही के गंभीर आरोप। उत्तर प्रदेश झांसी। सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के गोविंद चौराहे से मुल्लानाल नामक एक मरीज की उम्र लगभग 55 वर्ष है, गंभीर हालत में सिविल अस्पताल पहुंचा, जहां उसे इंजेक्शन लगाकर इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया गया। इसके बाद कोई भी डॉक्टर मरीज की देखरेख के लिए नहीं पहुंचा। मरीज को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करने के चंद मिनटों बाद ही मरीज की मृत्यु हो गई। मृतक मुन्ना लाल की पत्नी कमला का कहना है कि उसके पति को अस्पताल में लाने के बाद गलत इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने के बाद इमरजेंसी वार्ड में पति की स्थिति गंभीर होने लगी, जिस पर महिला ने डॉक्टर को बुलाने की मांग रखी, लेकिन कोई भी डॉक्टर वहां नहीं पहुंचा, जिस कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। जबकि CMS BK गुप्ता ने कहा, युवक की हालत गंभीर थी, उसका प्रारंभिक उपचार कर इमरजेंसी वार्ड में भेज दिया गया था, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। सवाल यह है कि हार्ट के गंभीर मरीज के इलाज में हीला हवाली पर हुई मौत पर जिम्मेदार कौन होगा? झांसी से SRB पर अनिल कुमार की रिपोर्ट। क्या हुआ था? कौन है तुम्हारे? आदमी थे हमारे। क्या हुआ? बस कुछ नहीं हुआ, बस सीना में दर्द हुआ। यहाँ आके दवाई दी, इन्हें इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन के बाद ग्लूकोज चढ़ा दे, हम अपने हाथ से ले आए और गाड़ी पे लो ले आए। बस यहाँ लेटा रहा, और ने कहीं उठ के बैठ गए, कल जीव घबरा रहा, यहाँ लेटा रहा। हमने पहले इधर लेते थे, इसलिए यहाँ ना पहले इधर लेटा नहीं यहाँ इतने में उनने ऊपर आके करी हमें कितना ने जाए। बोतल इंजेक्शन से नहीं हुई है एक्चुअली। मैं ये मैसिव हार्ट अटैक का मरीज था, ये 12:30 पे आया है। डॉक्टर कंचन ने अटेंड, पहले EMO ने अटेंड किया और EMO ने उस पर लिखा भी है प्रोग्नोसिस एक्सपेंड, मरीज की हालत गंभीर है। उसके साथ बताया गया, मुझे कोई रिश्तेदार भी नहीं था उस समय, ठीक है। और उन्होंने तत्काल डॉक्टर कंचन ने उसको जो भी हार्ट के लिए इलाज देते हैं वो दिया, और ये 12:45 पे डेथ हुई 15 मिनट में ही। इसका BP भी कम था काफ़ी, 80/64 BP था जब भर्ती किया गया इसे। तो मरीज की कंडीशन गंभीर थी, उसे बता भी दिया गया था। मरीज का नाम मुन्ना लाल, इस फाइल का जो उम्र पड़ी 55 साल। ओ राम के